Masha's spooky stories. पता है कभी कभी बड़ों को भी डर लगता है, वो भी कुछ अजीब सी चीजों से। एक बार एक दादी माँ थी जिन्हें लगता था कि उनके पोतों को उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा ही नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी ताकि उनके पोतों को उनका खाना अच्छा लगे। वो चाहे जो करती उनके पोते को हमेशा ही उनका बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। क्या ये दलिया है? नहीं 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 नहीं, दादी माँ उसे देती थी खाना जो अच्छा होता, एक लाल लाल टमाटर। पर उनका पोता और भी जोर से चिल्लाया, मुझे ये टमाटर नहीं खाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे चाहिए चॉकलेट में डूबा हुआ टमाटर। और उसने टमाटर को दीवार पर दे मारा। वो टमाटर दीवार पर चिपक गया और फिर पटाक से फर्श पर गिर गया। और पता है दीवार पर क्या रह गया था? एक बड़ा लाल धब्बा। वो पोता अपनी दादी के बनाए हुए खाने को खाने से मना करता ही रहा। और फिर जब वो मुड़ा उसने देखा कि उसकी दादी जा चुकी थी। अब शुरू होने वाला था उस लड़के का बड़ा भयानक सपना। वो बहुत ही डर गया था, उसे घर पर अकेले रहने की आदत नहीं थी। उसने अपनी दादी को आवाज लगाई, दादी प्लीज वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर कोई जवाब नहीं आया, कोई भी नहीं। शायद उस डरावने लाल धब्बे ने मेरी दादी को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अंदर खींच लिया होगा। उसे वहाँ बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल आ रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ रेफ्रिजरेटर ही अजीब सी आवाजें कर रहा था, जैसे कि वो जिंदा हो और अपने पेट में कुछ हजम कर रहा हो। सारे पर्दे बंद थे, रोशनी अंदर नहीं आ रही थी और अंधेरे में उस डरावने लाल धब्बे से टमाटर का जूस टपक रहा था। लड़के ने उस डरावने लाल धब्बे को साफ करने का फैसला किया, पर फिर किचन सिंक में कुछ था जिससे उसका नल हिलने डुलने लगा और फिर वो हिलते हुए हंसने लगा। लड़का डर के मारे थर थर कांपने लगा। ओह, जरूर नाले में कोई डरावना राइनो क्रॉक रहता है जो मुझे लेने आ रहा है। ओ दादी आकर मुझे बचा लो, डर लग रहा है। और फिर से उस बेचारे को कोई बचाने नहीं आया। बाहर तेज हवा चल रही थी, फिर खिड़की इतनी अचानक से बंद हुई कि उस लड़की की चीख निकल पड़ी। कितनी तेज हवा है, कितनी डरावनी आवाज थी, जरूर बाहर एक गेटर राइनो उड़ रहा होगा अपने शिकार की तलाश में। खिड़की के बाहर एक बिजली चमकी और बादल गरजे जोर से। तूफान पूरे जोरों पर था और उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। वो लड़का डर के मारे सहम गया, वो मॉन्स्टर आ गया। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर उसे सुनाई दी दरवाजे के ताले में चाबी के घूमने की आवाज। मुझे ऐसे डरना नहीं चाहिए, मैं एक बड़ा लड़का हूँ। और फिर उसने झाड़ू उठाया और मुसीबत से लड़ने को तैयार हो गया। फिर चाबी घूमी, दरवाजा खुला और दरवाजे पर कौन खड़ा था? उसकी दादी। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने प्यारे पोते के लिए कुछ मजेदार खाना लाई हूँ। आओ मेरे बच्चे, जल्दी से ये टेस्टी स्नैक्स खा लो। उन्होंने अपना थैला खोला और टेबल पर रखने लगी कुकीज, ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज, बनानास और वनीला आइसक्रीम। उसकी दादी उसके लिए ले आई थी कुछ चॉकलेट में डूबे हुए टमाटर भी। ओह, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़ गई थी। तुम तो बिजली और तूफान से जरा भी नहीं डरे। सही कहा दादी, मैं जरा भी नहीं डरा। लड़के ने खुश होकर अपनी दादी से कहा और फिर उसने अपना फेंका हुआ टमाटर साफ किया। मुझे लगा मुझे सफाई में आपकी मदद करनी चाहिए। मैं भला क्यों डरूं? मैं एक बड़ा लड़का हूँ। और इससे पहले कि उसकी दादी को फिर से गायब होने का मौका मिलता, उसने जल्दी से दीवार पर लगा लाल धब्बा साफ कर दिया। बड़ों को कई काम होते हैं,
घर में और घर के बाहर भी। अगर आपको घर पर अकेला छोड़ा जाए तो कभी ना करना हाय हाय। करते रहो होमवर्क और सारे काम, मिट जाएंगे आपके डर तमाम। हाथों में झाड़ू उठाओ यार, कमरा साफ कर लो कभी कभार। और बस इतना याद रखना, दीवार पर टमाटर कभी ना फेंकना।